आज राष्ट्रीय परिवहन दिवस है। राजस्थान और जयपुर की बात अगर करें तो यहाँ पर परिवहन की अपार संभावनाएं हैं। एक ओर जहाँ पर मेट्रो है तो वहीं दूसरी ओर एयरलाइंस, ट्रेन, रोडवेज और प्राइवेट परिवहन के साधन भी हैं। हर साल परिवहन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क से लेकर हवा तक परिवहन में विकास और विस्तार को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आगामी एक साल में परिवहन के क्षेत्र में क्या खास होने जा रहा है। राष्ट्रीय परिवहन दिवस आज। अगले एक साल में परिवहन को लगेंगे पंख, मिलेगी कई सौगात। सड़क से हवा तक होगा विकास और विस्तार। देश में चर्चा का विषय बनी सबसे तेज दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अगले साल सितंबर तक राजस्थान से गुजरेगी। राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे को 5 वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। अब इन ट्रेनों के रूट पर चर्चा हो रही है। ये ट्रेन आने से सफर आसान होगा। वर्तमान में इस ट्रेन के संचालन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेन की मेंटेनेंस के लिए कोच केयर कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका है। मेट्रो को लगेंगे पंख, फेज 1D की वित्तीय स्वीकृति जारी। जयपुर में मेट्रो सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत ने जारी कर दी है। इस फेज में मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक मेट्रो का संचालन होगा। गौरतलब है कि बजट वर्ष 2022-23 में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर को फेज 1C और मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा फेज 1D को मेट्रो द्वारा जोड़ने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद अब जल्द ही इस योजना को मूर्त रूप देने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। रोडवेज JCTSL को नई बसों की उम्मीद। अगले साल परिवहन दिवस के पूर्व राजस्थान रोडवेज और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में भी काफी बदलाव दिखने की उम्मीद है। नई बसों की खरीद प्रक्रिया होने के साथ ही भर्ती भी होने की उम्मीद है। वर्तमान में JCTSL की करीब 300 लो फ्लोर बसें संचालित हो रही हैं। ये बसें काफी कम है। ऐसे में दोनों ही बिंदुओं पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं राजस्थान रोडवेज में सुपर लग्जरी से साधारण श्रेणी की 550 बसों की खरीद प्रक्रिया लंबित चल रही है। ऐसे में तय है कि आगामी एक साल में नई बसों की खरीद होगी। हवाई सेवाओं से जुड़ेंगे कई नए शहर। हवाई सेवाओं से लगातार जयपुर से कई नए शहर जुड़ रहे हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बैंकॉक, मस्कट के लिए और उड़ानें अगले महीने शुरू होंगी। वहीं घरेलू उड़ानों में यात्रा के लिए नया बदलाव देखने को मिलेगा। अब उन्हें बोर्डिंग पास चेक कराने के लिए कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। स्कैन करके वे सीधा सुरक्षा जांच के लिए जा सकेंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु समेत बड़े एयरपोर्ट के बाद अब ये सौगात जल्द मिलेगी। एयरपोर्ट के चारों गेट पर अडानी समूह ने ई बोर्डिंग गेट बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इससे यात्रियों की 10 मिनट तक समय की बचत होगी। चारों गेट को मेट्रो स्टेशन के तरीकों से ई बोर्डिंग गेट बनाया जा रहा है। इसके लिए वहाँ एक मशीन लगाई जाएगी, ये सेंसर से काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।